हेलो हेलो हो आप सब वेलकम टू क्रिएटर गुरु चैनल गाइस ये हमारा नया चैनल है और इस चैनल पे आप पाएंगे बहुत सारे कंटेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग वीडियोस यानी कि यूट्यूब के लिए वीडियोस कैसे बनाएं इंट्रोस कैसे बनाएं आउट कैसे बनाएं और जो भी सोशल मीडिया के लिए आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं वो सब सारे कैसे डिजाइन करें खुद से सीख करके इस चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो गाइस बने रहे हमारे साथ और यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वेयर फिल्मोरा को और कैसे यूज करना है गाइस ठीक है तो ये फिल्मोरा सॉफ्टवेयर जो है डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा पावरफुल पावर पैक्ड सॉफ्टवेयर है कंटेंट क्रिएशन के लिए खास करके अगर आप वीडियोस वगैरह एडिट करते हो तो क्योंकि जो नया फिल्मोरा 11.6 जो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है वो बहुत ही ज्यादा पावर पैक्ड है गाइज तो बिना समय के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं ये हमारा पहला वीडियो इसको अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए तो हो सकता है कि वीडियो कुछ लंबा हो जाए बट डोंट वरी यहाँ पे आ आपके लिए आ, ये वीडियो में बना रहा हूं तो आपके फायदे की चीज है आप पूरे वीडियो को देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते तो यहाँ पे पहले आपको ये फिल्मोरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा और इंस्टॉल करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ये कैसे करना है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप उसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप मैं उसमें आ बता दूंगा ओके तो सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो स्पेस है मीडिया पे जब क्लिक करोगे तो प्रोजेक्ट मीडिया का ऑप्शन है यानी कि जो भी प्रोजेक्ट आप तो यहाँ एडिट करना चाहते हो ला करके यहाँ पे जस्ट क्लिक करके आपको लेके आना है जैसे ये आपका इमेज है हमें ओपन करना है अगेन क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे ठीक है या फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इम्पोर्ट का ये इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा जैसे कोई हमें वीडियोज लाने हैं जैसे ये हमारा लोगो है मैं यहाँ पे लेके आ गया अगेन अगर मुझे कोई विडियोज लाने हैं ओके तो मैं क्या करूँगा बस इस पर क्लिक करूंगा और ओपन कर दूंगा ठीक है तो सारे मीडियाज आपके होंगे जैसे ऑडियो वीडियो और इमेज वो सब आपके यहाँ पे आएंगे आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ठीक है अब इसे आपको बस ड्रैग करके लेके आना है यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग ओके और इस पे लाने के बाद आप प्ले करके देख सकते हो आपका मीडिया यहाँ पे प्ले हो रहा है यानी कि अब आप इसे एडिट कर सकते हो अब इसके ऊपर लोगो लगाने तो क्या करना होगा इसको खींच करके हमें यहाँ लेकर के आना है ओके गाइस देन हमें क्या करना होगा इस पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके इसे हम छोटा कर देंगे लोगो आप जहां भी लगाना चाहें इसे लगा सकते हैं तो इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको बताऊंगा ठीक है इसे यूज कैसे करना है तो इस तरह से आ, आपको मैंने बता दिया कि वीडियोस वगैरह कैसे लाने फोटोज़ कैसे लाने इसके अलावा भी बहुत कुछ है चलिए पहले मीडिया को समझ ले इस वाले पॉइंट को ठीक है तब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर्ड मीडिया का फोल्डर है इस फिर शेयर्ड मीडिया का फोल्डर का मतलब ये है कि इसमें जो भी आप मीडिया इम्पोर्ट करेंगे वो हमेशा के लिए इस फोल्डर में पड़ा रहेगा जैसे फोल्डर प्रोजेक्ट मीडिया वाले में पड़ा नहीं रहेगा क्योंकि इसके लिए आपको सेव करके रखना पड़ेगा या आपने अनसेव कर दिया है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करने के बाद तो ये यहाँ नहीं दिखेगा बट सेयर्ड मीडिया में जो भी कंटेंट आप लाएंगे जैसे लोगो आप बार बार यूज करते हैं कोई ऑडियो बार बार यूज करते हैं या कोई वैसी वीडियो जो बार बार आप यूज करते हैं प्रोजेक्ट में तो वो हमेशा यहाँ पे पड़ा रहेगा अगर आप इसे इंपोर्ट कर लेते हैं तो ठीक है जैसे आप देख सकते हो यहाँ सब्सक्राइब का बटन मैंने हमेशा क्लियर रखा क्योंकि मैं वीडियो में यूज करता हूँ ये मेरा लोगो है दूसरे चैनल का एक ये भी लोग है और ये लास्ट में ऑट्रो वीडियो के लिए यूट्यूब में यूज करता हूँ तो ये इस तरह से शेयर मीडिया आप तो लेकर के आओगे वो हमेशा के लिए इसमें रहेगा आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी ओपन करोगे तो इसे आप यूज कर सकते हो किसी प्रोजेक्ट के साथ ठीक है अब इसी में ऑप्शन है फोल्डर का भी जैसे कोई आप ऑडियो वगैरह भी इसमें लाते हो या यूट्यूब से रिलेटेड जैसे ये फोल्डर हमने क्रिएट किया था इसमें ऑडियो लाया था मैंने और ये यूट्यूब कंटेंट करके था इसके आप रीनेम भी कर सकते हो अपने हिसाब से ठीक है तो यूट्यूब का कंटेंट है सब इसमें मैंने डाल के रखा है बार बार यूज करने के लिए अब चलिए बात करते हैं सिंपल कलर का तो ये भी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दिया हुआ है फिल्मोरा के द्वारा इसे आप यूज कर सकते हो आपको बस डाउनलोड करना होगा डबल क्लिक करके और यहाँ पे डबल क्लिक करके प्रीव्यू भी देख सकते हैं अगर आपको इसे स्टार्टिंग यूज करना है तो आप यहाँ पे इसे ड्रैग करके ले आओगे तो इस तरह से स्टार्टिंग में लग जाएगा इसके ऊपर कोई भी इमेज वगैरह डाल सकते हो तो अब बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन है ठीक है अब दूसरा जो ऑप्शन है इसी से मीडिया में वो है सिंपल वीडियो का यानी कि ये जो वीडियो है आप अपने प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग के लिए यूज कर सकते हो इसे कॉन्डाउन का बटन है और भी कई सारे जो ट्रेवलिंग ब्लॉग्स के वीडियोस पड़े हैं वो आप यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से तो और डबल क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू कर सकते हो ठीक है अब सपोज आपको इसे यूज करना है तो मैं इसे ड्रैग करके यहाँ ले आऊंगा गाइस ओके और देन मैं यहाँ पे प्ले करके देखूंगा तो इस तरह से ये यहाँ पे शो होगा स्टार्टिंग में ठीक है तो ये हो गया सिंपल वीडियो का जो अपने प्रोजेक्ट में आप यूज कर सकते हैं आफ्टर डाउनलोड देन सिंपल ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन है ये तब यूज करेंगे जब हमें कोई इफेक्ट देना है बट ये बाद का पार्ट है आप समझ नहीं पाओगे इसे कैसे यूज करना है आ, तो ग्रीन स्क्रीन में आपको बाद में बताऊंगा ठीक है अब आता है प्रीसेट टेम्पलेट का ऑप्शन इसमें आप देख सकते हो कि ये बर्थडे का टेम्पलेट है अगर कोई बर्थ से रिलेटेड आपको वीडियोस बनाने हैं एडिट करने हैं तो यहाँ से टेम्पलेट आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो ऑल टेम्पलेट्स में जब आओगे अब देख सकते हो कि टेम्पलेट जो जनरली वो होते हैं जैसे स्टार्टिंग में हम लोग कोई इंट्रो लगाते हैं या पूरे वीडियोस को बनाते हैं इस तरह से तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो अभी ये देख सकते हो सिनेमेटिक में इस तरह का वीडियोस है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा तो आप इसे एज अ इंट्रो यूज कर सकते हो गाइज तो बहुत ज्यादा ये पावरफुल सॉफ्टवेयर है जैसे अब ये डाउनलोड हो गया ने डबल क्लिक करके प्रीव्यू किया है आप देख सकते हो इसमें प्रीव्यू में क्या शो कर रहा है आप इसको इसे यूज करना चाहिए अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो ठीक है सोशल मीडिया के लिए तो इस तरह से आप यूज कर सकते इसे लगाने के लिए बस डबल यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करना होगा ठीक है तो ये इस तरह से यहाँ पे लग जाएगा तो बहुत सारे ऑप्शन है बिट के हैं गेम्स के हैं प्रोमोस के हैं आप चाहो तो यहाँ पे इसके आ, क्या बोलते हैं एडिट भी कर सकते हो बट टेक्स्ट वगैरह का ऑप्शन जो है वो इस तरह से आगे डबल क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट एडिट कर सकते हो ठीक है जैसे हम लिखना है सीजी तो मैं सीजी लिख दूंगा और ओके कर दूंगा डबल क्लिक करके इस तरह से न, ठीक है अब डिलीट बटन हिट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा कंटेंट क्रिएशन तो ये इस तरह से यहाँ पे आ, आ जाएगा ठीक है लिख करके तो ये ऑप्शन ऑप्शन बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह एडिट कैसे करना है? क्योंकि बहुत ही वास्ट सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है तो आप धीरे धीरे करते करते पूरा समझ जाओगे ठीक है तो इसमें आप टेम्पलेट वगैरह यहाँ से यूज कर सकते हो अब चलिए बात करते हैं स्टॉक मीडिया की तो यहाँ पे आपके स्टॉक मीडिया यानी कि जो हमारे इमेज वगैरह क्रिएशन के लिए जो प्रोवाइड करती है हमारी वेबसाइट वगैरह वो तीन वेबसाइट इसमें ऑलरेडी इम्बेड किया गया है यानी कि डायरेक्ट आप यहां से सर्च कर सकते हो अगर आपका नेट कनेक्टेड है तो ठीक है पिक्सल्स का, का है गीपी का है पिक्स वे का है और अन का है ठीक है तो इसमें सारे ये पिक्स वे का जो है फ्री में आपके कंटेंट्स अवेलेबल है यहाँ से आप सर्च करके यूज कर सकते हो ठीक है यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो अब ऑडियो की बात आती है यहाँ पे बहुत सारे ऑडियोज़ के ऑप्शंस हैं कहीं पे ऑडियोज लगाने आपको तो करना ये है कि बस आपको डाउनलोड करना है डबल क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक करके प्रीव्यू कर सकते हो और यहाँ यूज करना है तो क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना हो ओके इस तरह से ड्रैग करोगे आप तो ये यहाँ पे म्यूजिक ऐड हो जाएगा ओके आप सुन सकते हो राइट तो इस तरह से आप ऑडियो वगैरह ऐड कर सकते हैं इस पर बहुत सारे यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है जो भी यूज करना आप यूज कर सकते हो बाइक करते हैं टाइटल की अगर कोई टाइटल वगैरह आपको यूज करना है स्टार्टिंग में या बीच में या कहीं भी तो यहाँ पे टाइटल्स के बहुत सारे ऑप्शन है ठीक है जैसे ये टाइटल्स है या ये टाइटल्स है है ना या ये टाइटल्स है तो बस आपको करना क्या डाउनलोड करने के बाद डबल क्लिक करके डाउनलोड होता है इसको ऊपर लेकर के आना है ठीक है अब इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं एडवांस में जाके इसके टाइटल वगैरह को ठीक है एडिट में लिख रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे यहाँ से प्ले करके देख लेंगे इस तरह से ये शो गा। है गाइस ठीक हिस्सों इसलिए आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं ओके तो ये आपको एक्सप्लोर करना है धीरे धीरे तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी अब चलिए बात करते हैं ट्रांजिशन की तो जैसे सपोज आपने यहाँ पे एक ये ऐड किया इमेज ओके और मीडिया पे जाएंगे अगेन कोई हमें अगर यूज करना है दूसरा इमेज तो तो प्रोजेक्ट पे जाएंगे एक और कोई यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे वीडियोस ठीक है तो वीडियोस उसी से ये मैं इंपोर्ट करता हूँ ठीक है डबल क्लिक कर लूंगा तो यहाँ आ जाएगा और इसके बीच में यहाँ लगा दूंगा ओके अब इसके बीच में आप ट्रांजिशन डालना चाहते हो ट्रांजिशन पे आकर के जो भी ट्रांजिशन आपको सुटेबल लगे बस ऐसे डबल क्लिक करके डाउनलोड करना है देन ट्रैक करके इसके ऊपर लेकर के आना डाल सकते हो गाइज अब बात करते हैं इफेक्ट्स की तो बहुत सारे इफेक्ट्स के भी ऑप्शंस हैं जैसे ये म्यूजिक यहाँ पे बज रहा है यहाँ पे इफेक्ट्स डालने आपको म्यूजिक प्ले होते हुए तो ये भी डाल सकते हो आप ठीक है यहाँ पे बस ऐसे ड्रैग करना होगा और इसे बड़ा कर लेना होगा अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये प्ले हो रहा है बट ये देख सकते हो तो नीचे चला गया इसे मैं ऊपर करना होगा अब ये देखो इस तरह से ठीक है है उसके साथ काम करता म्यूजिक का तो बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा ओके देन यहाँ पे इफेक्ट्स में बहुत सारे इफेक्ट्स भी हैं उसको कैटेगराइज भी किया गया है आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में अब चलिए बात करते हैं एलिमेंट्स की तो एलिमेंट्स में भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जैसे आप यूट्यूब की वीडियो बनाते हो तो सब्सक्राइब बटन लगाना है तो आप सब्सक्राइब बटन लगा सकते हो जो यहाँ लाके बस ट्रैक कर देना है और इस तरह से ये शो करेगा अब क्या करेंगे इसे हमने छोटा कर लेना है तो इस तरह से ड्रैग करके छोटा करके जहां भी लगाना है लगा सकते हैं। और प्ले करके देख लोगे तो समझ में आ जाएगी ठीक है इस तरह से हम लोग अ, एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं एलिमेंट्स भी बहुत सारे हैं जो भी आपको एलिमेंट्स यूज करना आप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आई ओके एंड देन बात करते हैं स्प्लिट स्क्रीन की यानी कि दो स्क्रीन आ, दो वीडियो दो फोटोज एक स्क्रीन लगाने हैं तो कैसे लगाएंगे और इसे बीच में ही हमें इसे डालना है तो इस तरह से मैं बीच में डाल दूंगा गाइस इस पर डबल क्लिक करूंगा और जो भी वीडियो दो डालने हैं वो इसमें डाल सकते हैं जैसे मैं एक इमेज डालना चाहता हूँ और एक ये इमेज डालना चाहता हूँ ये दोनों इमेज आ जा जाएंगे या फिर आप चाहते हो कि ये डिलीट कर लें तो राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो ये वीडियो डाल सकते हो इसमें ठीक है तब आप क्लिक करोगे तो ये स्प्लिट स्क्रीन की बात हो गई यहाँ पे तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं बेसिक्स जो स्क्रीन्स के ऑप्शन है यहाँ पे दिए हुए हैं जैसे मल्टीपल फोटोज मल्टीपल वीडियोज एक साथ दिखाना चाहे तो आप इसके साथ कर सकते हो तो ये पूरा का पूरा बात हो गया फिल्मोरा का जो मैंने बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से बताया आपको इसके अंदर और भी बहुत कुछ है बट आपको बेसिक्स अगर जानने हैं तो ये वीडियोस पूरा फॉलो करना पड़ेगा देखना पड़ के देख करके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ठीक है मीडिया से लेकर के स्प्लिट स्क्रीन तक मैंने आपको लगभग सब कुछ बता दिया और आपको समझ भी आ गया होगा ठीक है कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट लाना है और एडिट करना है बाकी और जो चीजें हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगे तो चलिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें कंटेंट uh, क्रिएटर के आर्टिक जो वीडियोज डाले हैं मैंने और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें धन्यवाद सी यू बाय